एवरीवन, मैं हूं रुंटी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ही पैक से आप कैसे अपने हेयर्स को लॉन्ग, सिल्की, शाइनी, स्मूथ बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको चाहिए घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स। आपको बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले पोटैटो, फिर गार्लिक, फिर जिंजर और ऑनियन। आपको तो पता ही है कि ये सारी चीज़ें हमारी हेयर ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होता है। तो अभी मैंने एक ग्राइंडर लिया है और उसमें मैं सारे चीज़ों को डाल दूंगी और फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी और इन सब चीज़ों का एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। तो आपको इन सारे चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेना है, तभी आपको ग्राइंडर में डालना है। सो ऑनियन जो होता है वो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉल को रोकता है। साथ ही साथ जो जिंजर और गार्लिक है वो भी हमारे हेयर फॉल को रोकता है और पोटैटो हमारे हेयर में नेचुरल कंडीशनिंग का काम करती है। हेयर को बिल्कुल स्मूथ शाइनी बना देती है। एक बार ही यूज़ में आप ये सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। तो अब हमें इन पेस्ट से छान के सिर्फ इसका पानी निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने पानी निकाल के रखा है। सो पानी निकालने के बाद जो हमारा बचा हुआ पेस्ट है उसका भी मैं यूज़ आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। मैंने अपने हेयर्स को कोम करके रखा हुआ है। तो अभी मैं इसको सेक्शनिंग करते हुए बिल्कुल स्कैल्प से लेके हेयर टिप तक अच्छे से इस पानी को लगा लूँगी। आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं तो आपके हेयर्स पे ज़्यादा फर्क करेगा। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को इसको लगा लीजिए और पूरा रात इसे अपने हेयर्स पे ही छोड़ दीजिए। फिर आप सुबह हेयर वॉश कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको पूरा रात नहीं रखना है तो आप हेयर वॉश करने से एक घंटा पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर आप एक घंटा छोड़ने के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। इस पैक को आप हेयर एंड्स पे ज़्यादा ज़्यादा करके लगाइए क्योंकि इससे आपके जो हेयर एंड्स हैं वो थोड़ा सा कर्ली बन जाते हैं, वो भी स्ट्रेट हो सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे हेयर पे नेचुरली स्पा का काम करता है। जैसे हम पहले दिन स्पा करते हैं तो हमारे हेयर्स बिल्कुल स्ट्रेट लगते हैं, तो ये भी एक ऐसा ही है, नेचुरली स्पा का काम करेगा आपके हेयर्स पे। तो अच्छे से आप पूरे हेयर्स पे इसको लगाते जाइए। जब आपके पूरे हेयर्स पे ये लग जाए तब आप अपने हेयर्स को एक बन बना लीजिए और इस बन को आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। तो छोड़ देंगे तो ये हमारे पिलो कवर को ख़राब कर देगा और साथ ही साथ ये सूख भी जाएगा, इसलिए हम इसे एक प्लास्टिक से कवर कर रहे हैं ताकि ये पूरा नाइट ठीक से रह पाए। सो पूरा रात ऐसे रखने के बाद अगले मॉर्निंग आप देखेंगे आपके हेयर्स कुछ ऐसे हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, जैसा आपने रखा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। सो अभी हम प्लास्टिक को निकाल देंगे और हेयर्स को खोल देंगे क्योंकि अभी हमें हेयर को वॉश कर लेना है। सो पहले हम साफ पानी से हेयर को वॉश कर लेंगे ताकि जो सारा जूस है वो निकल जाए, फिर हम शैम्पू का अप्लाई करेंगे। सो हेयर वॉश हो जाने के बाद आप कोशिश करिए कि ड्रायर पे हेयर को ना सुखाए। अगर सुखाए भी तो बहुत ही ठंडे हवा से सुखाए, गर्म हवा यूज़ ना करें, उससे हेयर पे डैमेज आता है। तो इतना जो हमने मेहनत किया वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि फैन पे ही सुखाए। तो हेयर सूख जाने के बाद आप देख सकते हैं हेयर्स कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम स्पा कराते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है हेयर देखने में। तो इसे आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मैंने बताया था कि जूस निकालने के बाद इस पेस्ट का हम क्या करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक मिला देंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसको जैसे हम पकौड़े तलते हैं वैसे ही इसको तल लेंगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप देखिए। और इसको हमें अब धीरे धीरे करके फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के बाद ये देखने में कुछ ऐसा बनेगा।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।